दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे की बंपर भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में यहाँ पर भर्तियाँ निकली है जूनियर क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड कार्ड्स, तकनीशियन और जेई के पदों के लिए 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या इन पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप रेलवे की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने नया नोटिस जारी किया है जिसके तहत यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टेक्नीशियन थर्ड, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड कार्ड और जूनियर इंजीनियर के 310 खाली पदों को भरने जा रहे हैं। सैलरी की वहीं बात की जाए तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। टेक्नीशियन थर्ड के लिए भी 19,900, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700, गुड कार्ड के लिए 29,200 और जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए 35,400 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की जानकारी हम आपको नोटिस से दिखाएंगे। मैक्सिमम आयु सीमा 42 वर्ष है। SC ST को 5 साल की छूट है। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की इसमें छूट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। RRCBBS.org.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 अप्रैल 2019 थी और लास्ट डेट 14 मई 2019 है। तो चलिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हो। पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी जानकारी दी गई है, जैसे कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 12 पद यहाँ पर खाली है, टेक्नीशियन थर्ड के लिए 65 पद खाली है, कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 48 है, गुड्स कार्ड के लिए यहाँ पर 93 पद है, जेई या सिविल के लिए 63 है, जेई मैकेनिकल के लिए 13 है, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 11 है, जेई SNT के लिए यहाँ पर 5 पद है। तो टोटल 310 पद यहाँ पर इस भर्ती के लिए यहाँ पर निकले हैं। साथ साथ आप यहाँ से पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी दी गई है और साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दी गई है जो आप इस टेबल से पूरा रीड कर सकते हो। जैसे कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड SC ST OBC के लिए टोटल वैकेंसीज दी गई है। आप यहाँ से अलग अलग डिवीजन वाइज चेक कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग डिवीजन में भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ से इस टेबल को वीडियो को पॉज करके आप आसानी से रीड कर सकते हो। सभी डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज डिटेल्स में दी गई है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी दी गई है। एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए 12th क्लास पास होना अनिवार्य 50% अंकों के साथ, और साथ साथ जो टेक्नीशियन थर्ड कारपेंटर की है इसके लिए 10वीं क्लास पास, और साथ साथ इसमें यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसी तरह आप देख सकते हो टेक्नीशियन थर्ड के जितनी भी यहाँ पर डिसिप्लिन दी गई है, और साथ साथ यहाँ पर सभी के लिए 10वीं क्लास पास दी गई, और साथ साथ इसमें यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सभी के लिए मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए भी +2 पास होना अनिवार्य है, और गुड कार्ड की जो पोस्ट है इसके लिए डिग्री धारक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो जूनियर इंजीनियर की अलग अलग डिसिप्लिन दी गई है जैसे कि सिविल, मैकेनिक, वर्कशॉप, सभी के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, और साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल में जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उससे डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है। तो आप इस भर्ती के लिए जूनियर इंजीनियर जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हो GDC के 42 वर्ष यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, 45 वर्ष OBC के, 47 वर्ष SC ST के लिए यहाँ पर डिटेल्स में दी गई है। आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो RRCBBS.org.in पोर्टल से। सभी इंस्ट्रक्शंस आपको इसी पोर्टल से रीड करने होंगे और आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो स्टेप्स दिए गए। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट फिलअप करने के बाद सबमिट कर सकते हो। पूरी डिटेल्स आपको इसी PDF में दी गई है कि एडमिट कार्ड आप कब से और कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इसी PDF में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF
डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट कर इस पेज के एंड में देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों ये पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी दी गई है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो आपको एग्जिटिंग यूजर की टैब पर क्लिक करके पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब भी यहाँ पर दी गई है। इस टैब पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद फुल नेम आपको डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और कैप्चा यहाँ पर फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना होगा। तो ऐसे आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल से 14 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हेल्पलाइन डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है, कॉन्टैक्ट के लिए आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और साथ साथ ईमेल आईडी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और ऐसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।